हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं करण जी की रेसिपी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग स्पॉट में। अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बनाते हैं क्रिस्पी और जूसी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी करण जी। इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन में मैदे का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा तेल ऐड करेंगे हम इसमें। आटे को अच्छे से गून लेंगे हम। आटा गूंदकर तैयार है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए गीले कपड़े में रखेंगे। हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं आटा अच्छे से नरम हो चुका है। अब करंजी के अंदर का मसाला बनाएंगे। ये सूखा नारियल है जो किस कर लिया है हमने। एक कटोरी चीनी और कुछ इलायची से अच्छे से बारीक कर लेंगे हम मिक्सी में। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। हमें ध्यान रखना होगा कि अच्छे से शक्कर और नारियल अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने छोटे छोटे गोले कर लिए हैं आटे के। हम थोड़ा बेल लेंगे उसे। छोटी चपाती की साइज का हमें बेलना है इसे, पूरी जैसे। आप ये रेसिपी ज़रूर करें घर पर ट्राई, अच्छी होती है रेसिपी। अब नारियल के मसाले को हम अंदर फिल करेंगे। इसे महाराष्ट्र में कनोला कहते हैं। आप यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसका नाम क्या क्या है अपने अपने शहरों में। हिंदी में तो करण जी कहते हैं, मगर हम महाराष्ट्रियन इसको कनोला कहते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इसे कनोला कहते हैं। इसे हमने दूध लगाकर आधे चांद आकार का किया है, चांद का शेप दिया है इसे। हम चम्मच से दबाएंगे हम उसे ताकि तेल में खुले ना हो। अगर तेल में खुल गया तो पूरा नारियल तेल में मिक्स हो जाएगा। कुछ और तैयार कर लेंगे हम करण जी। आप ये रेसिपी ट्राई कर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी थी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी अपने नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन आए। तेल गरम है अभी ये। हम लो मीडियम फ्लेम पर करंजी को फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। इसका थोड़ा हल्का सा रंग बदल जाए उतना ही हमें फ्राई करना है, नहीं तो वो बहुत ही कड़क हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेल में फ्राई ना होए। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये करण जी। उल्टा पुल्टा कर हमें तलना है, फ्राई करना है।
ताकि एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम फ्राई ना हो। ये अब ये हल्का हल्का रंग बदल रहा है, हमारे करंजी तैयार है अब बिल्कुल भी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जो कि बिल्कुल भी फ्री है, नो एनी कॉस्ट। और अलग अलग नए नए रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो तैयार हैं हमारे करंजी, मीठे मीठे करंजी। आप ये देख सकते हैं ऊपर से करारे हो गए हैं ये, और अंदर से पूरे जूसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।